कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सीएस कर्णन को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक जस्टिस कर्णन को आज चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जस्टिस कर्णन के खिलाफ 27 अक्टूबर को एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों, वरिष्ठ वकीलों और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वायरल वीडियो में जस्टिस कर्णन कथित तौर पर ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज महिला वकीलों और जजों का यौन उत्पीड़न करते हैं। इसी वीडियो के आधार पर उनकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 2017 में भी जस्टिस कर्णन को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट की अवमानना के आरोप में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। पिछले दिनों द शूद्र से खास बातचीत में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें दलित होने की वजह से परेशान किया गया था। But we can see it, that but it is doing. In my case, Supreme Court made wrong entry with my jurisdiction and assigned my student to work, administrative work, which is against law and justice. And also the 7 judges illegal order covered under the SCC Atrocities Act. Yes. On 9/5/2017, 7 judges gave direction to the Director General of Police attached to the West Bengal. Secure Justice Kernel forthwith and putting him in jail for 6 months. Further direction to the press media, electronic media, not to get any opinion from Justice Kernel. This is the order. This was the order. This is a permission to pass such a kind of order. This is very bad on the side of the Supreme Court. Bureau report, The Shudra.